ये गाइस आज किस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप भी अपने फ़ोन से नेशनल एड्रेस बनाना चाहते हो तो काफ़ी इजी है। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया कि आप कैसे अपने फ़ोन से नेशनल एड्रेस बना सकते हो, जिसका यूज़ काफ़ी जगहों पे होता है। जैसे कि अगर आप एसटीसी पे चालू कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि आपका बिल्डिंग नेम और पोस्टल कोड सारा कुछ वहाँ पे जो है पूछता है और आपको मेंशन करना होता है। तो अगर आपके पास नेशनल एड्रेस आपका बना रहेगा तो काफ़ी इजी रहेगा एसटीसी पे बनाना। अगर आप कहीं पे अकाउंट ओपन करवाते हो किसी बैंक में तो वहाँ पे भी आपको जो है नेशनल एड्रेस प्रूफ पूछता है, तो वहाँ पे भी आपको एड्रेस प्रूफ मेंशन करवाना होता है। तो अगर आपका नेशनल एड्रेस बना रहेगा तो आपको इजी रहेगा एसटीसी पे बनाने में या फिर कहीं पे अकाउंट ओपन करवाने में। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया कैसे आप नेशनल एड्रेस बनाओगे अपना। सो वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिए, चलिए शुरू करते हैं। आपको अपने ब्राउज़र में आना है। ब्राउज़र में आने के बाद आपको सऊदी नेशनल एड्रेस करके टाइप कर देना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये जो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है नेशनल एड्रेस का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे गाइज मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल सिंपल तरीका जिससे आप अपना नेशनल एड्रेस बना सकते हो। आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करोगे। इंडिविजुअल आपको यहाँ पे रहने देना है। नीचे आपको मिलेगा कंटिन्यू का ऑप्शन, आप यहाँ पे जो है कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। पर्सनल डिटेल डालने के लिए आपको यहाँ पे अपना अकामा नंबर डाल देना है और यहाँ पे आपको अपना बर्थडे डालना है, यानी कि आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल देनी है, डेट डालना है, मंथ डालना है एंड ईयर डालना है। नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। एंड फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप देख पा रहे यहाँ पे मेरा नाम आ गया है हाय आफ्ता हुसैन करके। आपका यहाँ पे अफसर बना होगा तो आपका भी नेम इस तरह से डायरेक्ट जो है शो होने लगेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल आईडी अपनी डालोगे। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पे यूज़र नेम क्रिएट करोगे। नीचे आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा, न्यू पासवर्ड। फिर नीचे आपको कन्फर्म पासवर्ड, उस न्यू पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म करना है। फिर यहाँ पे गाइज आपका यूज़र नेम पासवर्ड दोनों बन जाएगा। लाइक जैसा कि आप साइड में देख पा रहे हो, इस तरह से आपको यूज़र नेम बनाना है और इस तरह से आपको पासवर्ड बनाना है। फिर नीचे आपको यहाँ पे चेकबॉक्स को टिक करना है। देन आपको साइनअप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। साइनअप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइज आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उस पर एक ओटीपी जाएगा, वन टाइम पासवर्ड 4 डिजिट का। वो आपको यहाँ पे 4 डिजिट का वेरीफिकेशन कोड डालना है। नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद। यहाँ पे गाइज आपको ऊपर 3 लाइन का ऑप्शन दिखेगा या फिर नीचे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नीचे राइट कॉर्नर में आपको मीनू का ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे 3 लाइन का ऑप्शन है। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो नेशनल एड्रेस का आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो है मेरे फ़ोन में नीचे की तरफ शो हो रहा है। आपके फ़ोन में यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ भी 3 लाइन शो हो सकता है, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है 3 लाइन के ऑप्शन पर। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा नेशनल एड्रेस, आपको वहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। देन आपके सामने आएगा रजिस्टर नाउ का ऑप्शन। फिर से आपको यहाँ पे फिर से इसमें रजिस्टर करने के लिए कह रहा है, तो रजिस्टर नाउ पर हम क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपका लोकेशन अगर ऑन है तो इस तरह से जो है वो शॉर्टली में एड्रेस आपका यहाँ पे जो है वो पिक कर लेगा, यानी कि इस तरह से आपका डिटेल शो होने लगेगा। बिल्डिंग नंबर क्या है एंड यहाँ पे स्ट्रीट कौन सा है और डिस्ट्रिक्ट क्या है, सिटी कौन सा है और पोस्टल कोड क्या है, सारा कुछ यहाँ पे जो है अगर आपका लोकेशन ऑन है तो वो ऑटोमेटिक पिक कर लेगा और आपके सामने इस तरह से शो होने लगेगा। अदरवाइज़ अगर आपका लोकेशन ऑफ है मोबाइल से तो आपको एक पॉपअप दिखेगा जिसमें आपको डेनी करके और यहाँ पे जो है अलाउ करके ऑप्शन मिलेगा, तो आपको अलाउ करना है, डेनाई नहीं करना है, नहीं तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आप जो है अगर आपका लोकेशन ऑन नहीं है तो आपको यहाँ पे अलाउ पर क्लिक करना है। तो मेरा लोकेशन ऑन था यहाँ पे, इसलिए कोई भी ऑप्शन मुझे नहीं दिया अलाउ करने के लिए। अगर अलाउ का ऑप्शन देता है तो आपको वहाँ पे अलाउ पर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सारी डिटेल आप यहाँ पे चेक करेंगे। आप यहाँ पे अपने हिसाब से भी मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे ये आपके लोकेशन के हिसाब से उठा लेगा, ठीक है। नीचे आपको यहाँ पे नेक्स्ट बिल्डिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। 3 स्टेप में आपका यहाँ पे जो है एड्रेस प्रूफ बनेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अकोमोडेशन टाइप, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो, विल्ला में रहते हो या फिर जो भी है आपका यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है बिल्डिंग में रहते हैं, अपार्टमेंट में, हम अपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। फ्लैट नंबर आप यहाँ पे जो है डाल सकते हो और यहाँ पे गाइस कह रहा है प्रॉपर्टी आपकी है या फिर जो है रेंटल है, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप डाल देना है। जैसा कि यहाँ पे हम रेंट पे रहते हैं तो हम नीचे यहाँ पे रेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे जो है नीचे आपको आना है पीरियड ऑफ स्टे। तो यहाँ पे आप परमानेंट रह रहे हैं या फिर टेम्प्रेरी, तो हम टेम्प्रेरी रह रहे हैं, टेम्प्रेरी यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा परमानेंट या फिर टेम्प्रेरी, ओके। यहाँ पे बिल्डिंग का फोटो कह रहा है अपलोड करने के लिए, आप बिल्डिंग का फोटो अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हो।
अदरवाइज आप इसे छोड़ देंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कह रहा है जैसे कि आप यहाँ पे जो है बिल्डिंग का नेम डाल देंगे, कितनी नंबर बिल्डिंग है, और फ्लैट डाल देंगे, फ्लोर डाल देंगे, सारा कुछ यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपको रिव्यू एंड कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इस तरह का आ जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। सारा कुछ यहाँ पे आपके इस तरह से जो है डिटेल मेंशन की हुई है, आप यहाँ पे रीचेक कर लेंगे। एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी आप यहाँ पे जो है ऊपर आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो। नीचे आएंगे यहाँ पे आपको दो चेकबॉक्स दिखेंगे, दोनों को आपको टिक करना है, और फिर जो है आपको नीचे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपके सामने आएगा OTP एंटर करने के लिए, आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उस पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा 4 डिजिट का, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, देन आपको कंफर्म करना है। और गाइस फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, योर नेशनल एड्रेस इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे आपका नेशनल एड्रेस बन चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इस तरह से आप भी अपना जो है नेशनल एड्रेस बना सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना बनाया। अब उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे यहाँ पे आपको शो एड्रेस प्रूफ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका जो है पूरा एड्रेस प्रूफ दिख जाएगा, जैसा स्ट्रीट नेम, बिल्डिंग नंबर, पोस्टल कोड, सिटी, सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको जो है डाउनलोड भी कर सकते हो। अब अगर आप STC पे चालू करते हो या फिर किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको जो है पोस्टल कोड और स्ट्रीट नेम, बिल्डिंग वगैरह ये सब जो है ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एड्रेस प्रूफ जो है ये वाला ओपन करेंगे और सारा कुछ यहाँ पे आपको मेंशन मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, आपको यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब ये PDF में डाउनलोड हो गया है आपका एड्रेस प्रूफ नेम से, ठीक है। अब जहाँ भी आप यूज़ करना चाहते हो इसे यूज़ कर सकते हो।